How are you? I hope you all are good. So today, are you ready for study? So today's chapter is Endocus and the Lion. So let's read. In ancient time, the Roman Empire based at Rome was a great empire. The Romans had large buildings, loads of wealth, and hundreds of slaves. But their behavior with slaves was very cruel. दे them to all ऑल of ऑफ work and एंड beat बीट mercilessly तो so, यहाँ पे बात हो रही है एंशियन टाइम के अंदर जो रोमन एम्पायर था वो बेस्ड था रोम पर है ना बेस्ड एट रोम और ये ग्रेट एम्पायर था पूरा जो रोमन थे यहाँ के वो हैड लार्ज बिल्डिंग थी उनके पास वेल्थ थी हंड्रेड ऑफ स्लेव थे ठीक है ये सब चीज़ें होती थी लेकिन स्लेवस के साथ उनका जो बिहेव था वो बहुत ही क्रूअल था ठीक है बहुत ही निर्दयी बहुत अच्छा नहीं था ठीक है बहुत बुरा बिहेव करते थे उनके साथ ए और क्या करवाते थे ऑल काइंड ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑफन बीट दैम और हमेशा उनको पीटते रहते थे है ना बहुत मेरे से इसलिए मतलब होता है निर्दयता पूर्वक पीटना पिटाई करना उनसे हमेशा काम करवाना ऐसा करते रहते थे सो एंडल्स वॉज ऑल्सो अ रोमन स्लेव जो एंडोकल्स है वो भी क्या था एक रोमन स्लेव था हिज मास्टर वॉज वेरी क्रूअ ही गेव हिम वेरी लिटिल फूड एंड अ फ्यू रैग्स टू कवर हिज बॉडी विद तो उसको खाने के लिए भी बहुत कम मिलता था ठीक है क्योंकि वो भी स्लेव था ठीक है और उसका मास्टर तो इतना क्रूअल था उसको खाने के लिए भी बहुत कम देता था उसको पहनने के लिए कपड़े भी उसकी बॉडी पर पूरे नहीं होते थे सो एंडोकस वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग येट हिज मास्टर वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वर्क ठीक है और वो पूरा टाइम काम करता रहता था मॉर्निंग से इवनिंग तक फिर भी उसके मास्टर उससे सेटिस्फाई नहीं होते थे द स्लेव ट्रू वॉज नॉट हैप्पी और जो स्ले थे वो उससे खुश भी नहीं थे ही कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर एंड वन नाइट ठीक है ही लेव द हाउस अब उन्होंने क्या सोचा कि हम उसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे एंड लॉन्गर वन नाइट ही लेफ्ट द हाउस एंड रेन और वहां से वो भाग जाता है सो रेन अवे एंडल्स रैन वन होल नाइट एंड वन डे नेक्स्ट नाइट ही रेस्ड अ केव इन द फॉरेस्ट ही एंटेड एट एंड डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट तो एंडोकल जो होता है वो होल नाइट भागता ही रहता है वन डे पूरा उसका रन ही करता रहता है ठीक है नेक्स्ट नाइट पर वो कहां पर पहुंचता है केव 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 एक cave के अंदर फॉरेस्ट में थी वहां पर पहुंच जाता है और उसके अंदर एंटर करता है ठीक है और डिसाइड करता है कि वो जो उसकी जहां पर वो पहुंचा है अब पूरी रात वहीं पर वो बिताएगा स्पेंड करेगा वहीं पर ही लेट डाउन एंड फेल ए ही वो सो टायर्ड

He saw a lion in front of him. और उसने क्या देखा कि एक लायन उसके सामने खड़ा है एंड टेरिफाइड तो डरना तो था ना जब लायन को देखेगा तो डरिफाइड हो गया तो उसने क्या देखा कि वहाँ पर जो उसका पो पो मीन क्या होता है बच्चे पंजा ठीक है जो लायन का पैर था वो कैसा था ब्लीडिंग कर रहा था खून निकल रहा था उससे एंडोकस वेट नियर द लाइन ही सो अग थ्रोन इन हिज पो The slave put the paw in his lap and gently pulled the throne out. At once, the lion was revealed with his severe pain. He began to lick Andokul's with gratitude. तो अब उसने क्या देखा कि उसका जो पंजा है वो किस तरह से उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो एंडोकर्स उसको जेंटली पुल आउट करता है जो काटा लगा हुआ था उसके पैर में तो उसको निकालता है ठीक है और जो लायन होता है वो अपने पेन उसका धीरे धीरे अब कम होने लग गया था और उसको बहुत अच्छा लगता है है ना और तो वह एंडल्स को क्या करने लग जाता है लिक करने लग जाता है मतलब उसको चाटने लग जाता है खुशी से है ना विद ग्रेटिट्यूड के साथ फॉर अ ईयर और टू ठीक है कुछ एक दो साल के बाद एंडोकस एंड द लाइन वो लिव टूगेद इन द केव लाइक फ्रेंड्स तो एक दो साल तक वो साथ में ही रहते हैं ठीक है लाइन भी और Endocles भी साथ में ही इन द डे दे हंटेड एंड एट नाइट दे देन एंडोकस फेल्ट लोनली ही फेल्ट ही कुड नॉट स्टे इन द वर्ड्स एनी लॉन्गर ही वॉन्टेड टू सी मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन ही वॉन्टेड टू लिव इन द टाउन अगेन सो वन डे ही लेव द den तो एक बार क्या होता है जो एंडोकल्स है वो उसके साथ ही रहता है काफी टाइम तक लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको ऐसा फील होने लग जाता है लोनली अकेलापन क्योंकि उसको क्या अच्छा होती है कि मैं भी ऐसे के साथ रहू जहाँ पे women हो children हो ताकि मैं भी उनको देख पाऊँ और मैं किसी टाउन में जाना चाहता हूँ है ना तो इसलिए वो क्या करता है वन डे ही लेव द डैन और उस डेन उस गुफा को वो छोड़ देता है और वहां से चला जाता है

तो ऐसे लोगों को ज्यादा ही पनिश किया जाता था ठीक है बहुत बुरे तरीके से सिवियरली पनिश किया जाता था। thrown बिफोर द arena of इन एन a हंग्री लाइन अब क्या करने वाले थे वो वहां पर जो एम्प्रर था उसने क्या ऑर्डर दिया कि एंडोकस को किसके आगे फेंक दिया जाए फाइट hungry लाइन ठीक है एक भूखे शेर के सामने उससे वो फाइट करेगा द एरेना वॉज एन ओपन ग्राउंड ट ऑन द एम्प्रर एंड द पीपल ऑफ रोम टू वॉच द अनइक्वल फाइट अब वो जो लोग थे वो देखने आते हैं कि कैसे अन इक्वल फाइट है ठीक है एरेना क्या था एक ओपन ग्राउंड था उसमें उस शेर को लाइन को छोड़ा जाएगा और इधर एंड को छोड़ा जाएगा क्योंकि जो लाइन था वो कैसा था वो भूखा था ठीक है तो अब उन दोनों के बीच में क्या होगी फाइट स्टार्ट हो जाएगी एंड इन देंटर दे ऑफ द दे एरेना हंगरी लाइन वो सेट फ्री फ्रॉम इट्स जो एंडोकस था वो अब खड़ा हो जाता है ठीक है के सामने वहीं पे सेंटर में और जो हंगरी लाइन होता है वो कैसा उसको छोड़ दिया जाता है लाइन रॉयड लाउडली एंड जम्पड आउट ऑफ द केस एंडोकर्स shut हिज आइज विद फियर तो जब देखता है कि जो लायन है जैसे उसको केस से छोड़ा जाता है वो लाउडली भागते हुए जंप करते हुए और कहाँ भाग रहा है

तो वो क्या देखता है एरेना में तो वो जो एंडोकल्स जब अपनी आंखें खोलता है वो पाता है ये तो मेरे फ्रेंड है जिसके पास मैं रहा था ही पुट हिज हैंड्स राउंड द मैन एंड वेफ्ट फॉर जॉय अब वो दोनों के दोनों कैसे हो जाते बहुत खुश हो जाते हैं और एंडोकल्स भी खुशी से रोने लग जाता है एट साइड द एम्पायर एंड द रोमन पब्लिक वर सर द एम्प्रेंड फॉर द स्लेव आज हिम अबाउट इट एंड बियर हिज स्टोरी इट वॉज माइटली इम्प्रेस्ड बाय एंडोकल्स सेट हिम फ्री एंड गेव हिम सम मनी टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम द लैंड एंड्रोकल्स लाइक अ डॉग अब वो कैसे थे जो एम्प्रायर था वो इन सब चीजों को देख रहा था जो पब्लिक थी वो भी बहुत हैरान हो गई थी है ना पूरा सरप्राइज हो गई थी ऐसी सिचुएशन को देखकर और सबको ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी है ना जैसे उसने अपनी स्टोरी को नरेट किया तो सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगी उसके बाद उस एंड्रोकल्स को फ्री कर दिया गया और वो एंड्रोकल्स के साथ कैसे रहता था लाइक अ डॉग तो ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी जिसमें दो फ्रेंड्स किस तरह से बने हैं और किस तरह से दोनों फ्रेंड्स ने हर एक तरीके से एक दूसरे का साथ भी दिया है तो इस स्टोरी को रीड आउट करेंगे समझेंगे और इससे रिलेट करती हुई जो भी एक्सरसाइज है ठीक है वो खुद करेंगे